हाईवे से पहले लेफ्ट पे टर्न हुए हैं, एक गांव शुरू हो गया है, और गांव के शुरू होते ही जो है ना, ये देखें यहाँ कुएं काफी हैं। अरे रोड भी बना हुआ है। ये देखें सिर्फ इसको झाड़ियों से पैक किया हुआ है, उसको बाउंड्री लगानी चाहिए इस पर। वैसे तो दाखिल होते ही कुआं है अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से जनाब? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ये तो दाखिल होते ही कुआं है, घर के खुलते कुछ जल्दी में आया तो इसके अंदर चला जाएगा बाबा। नहीं वो ख्याल ख्याल करके आते हैं, और ये जगह भी सही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ मजदूर काम करते हैं, 5 मिनट काम करते हैं, उसको पता नहीं क्या चीज़ सामने आ रही है, फिर वो भाग जाते हैं। यही सुन के हम आए क्या? जी बड़ी मुश्किल से एक दिन भी पूरा काम नहीं करते, आधा दिन करते हैं फिर भाग जाते हैं। और वजह क्या बताते हैं? वजह बोलते हैं यहाँ पे कोई पत्थर मार रहा है, या कोई ऐसे लंबा सा सफ़ेद कपड़ों में बंधा आता है। अभी तो लंबे से सफ़ेद कपड़ों में कोई बंधा आता है। अच्छा हाँ, इस जगह पहले क्या था? जगह था कुछ भी नहीं, वैसे ये खुली ज़मीन थी। ये पहले से था कुआं? हाँ ये पहले से ही था। सही कह रहे थे हमको। अच्छा माशाल्लाह आप मालिक हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर है। पूरा नाम? शबीर अहमद। शबीर अहमद भाई जी। शबीर अहमद भाई ये आपने घर कब बनाना शुरू किया? ये तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से अभी तक नहीं बनाए? नहीं यार, बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं, 6-6 मंजिला 1.5 से 6 महीने में। मैं ज़रा देख सकता हूँ? हाँ हाँ बोले आप देखिए। अच्छा ये हम गेट से दाखिल हुए हैं अंदर। हाँ। और सामने ही कुआं है। अच्छा शबीर भाई कभी कोई बच्चा भी आ जाता है? अक्सर बच्चे खेलते हैं ना, गेट खोल के तेज़ी में भागते हैं अंदर। हाँ। तो ये मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पर, तो गेट होनी चाहिए। या तो इसको शबीर भाई उसको ऐसे बंद करेंगे। बंद करेंगे? हाँ बंद करेंगे। अच्छा बंद करने से भी, मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दें आप, इस पर भी बात करता हूँ मैं आपसे, क्योंकि पहले से चीज़ थी यहाँ पर। अच्छा आए देखिए शराबी पीछे ब्लॉक है, ये बेरी का दरख्त है, ये भी पहले से था? ये भी पहले से था सर। कुआं भी पहले से था, साथ बेरी का दरख्त है, ये भी पहले से था। और नीम, ये सामान सारा ना वीडियो में आप लोगों ने सामान। ये क्या जगह है पीछे शबीर अहमद भाई? घर थे पुराने। पुराने घर थे? पुराना घर थे, काफी जमाने घर है। हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, ये कब का है? आपकी पैदाइश से पहले? जी हाँ। कब्रिस्तान तो नहीं है इधर पीछे? नहीं नहीं पक्का? दर्द काफी खौफनाक है, खेत का है। इधर आए, सिर्फ ये नहीं है वो भी देखिएगा आगे। तो 1.5 साल हो गया है आपको, 1.5 साल में ये भी तो बनाए घर, ये कैसे बन गया? ये पहले से बना हुआ था। ये पहले से बना हुआ था? ये मकान भी ना। ये कुआं ये सब बना हुआ था? ना, ना। ये आपने रंग रोगन करवाने की कोशिश की है बाद में? इसमें 1.5 साल लग गया? इसमें 1.5 साल लग गया।
250 गज होगा। तो ये सामान आपने मंगवाया बाद में, ब्लॉक्स, ये चादरें, ये सब, तो ये इस्तेमाल नहीं करना है इसको, या मना कर रहे हैं? नहीं, छोड़ते नहीं है सर, छोड़ते नहीं है। कौन नहीं छोड़ते? वो सफेद लंबे आदमी पत्थर, एक दो लंबा वाला, वो भी नहीं छोड़ता और पत्थर मारते हैं। आपके साथ कुछ हुआ है कभी, आपने खुद महसूस किया है? मैं जब इधर अंदर आता हूँ तो कोई बंदा ऐसा घूम रहा है अंदर। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आप जब कमरे में, घर में दाखिल होते हैं, कोई बंदा देखते हैं आप? बंदा देखता हूँ, वो घूम रहा होता है, घूम रहा है, जब मैं उसको आवाज़ देता हूँ फिर मुझसे थोड़ा दूर जाके फिर हंसना मतलब शुरू कर देता है, बोला इधर काम नहीं करो। कहाँ देखा आपने ये? यहाँ पे, इधर इधर इसी जगह पे। आप वहाँ से दाखिल हुए और आप देख रहे हैं यहाँ कोई बंदा खड़ा हुआ है? बंदा खड़ा हुआ। फिर वो कहाँ दूर जाता है? ये ऐसा चले जाता है, वो इधर जाता है। और वहाँ जाकर दूर खड़ा होकर हंसता है, जोर जोर से हंसता है, और आपसे कहता है कि यहाँ काम मत करो, काम मत करो। फिर मैं बोला भाई क्यों? मैंने आपको क्या तकलीफ दी? जी जी जी, ये तो जगह मेरे बाप ने ली हुई थी, वो भी काफ़ी टाइम गया, ठीक, वो तो बहुत हो गया, ठीक, अभी मेरे हवाले, सही। तो ये मैं अपने घर बना रहा हूँ यहाँ पे, जी जी, तो आप छोड़ते नहीं हो, आखिर वजह क्या? जी जी जी, बोलता नहीं इधर काम नहीं करो, फिर काम करेगा नुकसान होगा।